निफ्टी में 25-600 से लेकर 23-500-23-600 तक की रेंज हो सकती है। और मलाई जो है वो लगातार पिछले 6 महीनों से इंडेक्स बाहर स्टॉक्स में स्टॉक्स बेचने के स्टॉक्स लेने के तो सेक्टोरली जो रोटेशन है हम एफ एम सी की स्टोरी भी बहुत लंबी देखते हैं। जो लगता है मोदी 3 ही आ रहा है, अब 400 बातें खत्म हो गई है, मोदी जी ने खुद कह दिया कि ट्रैप था। तो चुनाव अगर मिले तो पॉजिटिव सरप्राइज मिल सकता है, सबकी एक्सपेक्टेशन इस बार की कांग्रेस की निकली है, पॉजिटिव सरप्राइज मिल गया, 23-5 हो जाएगा बिजनेस एज यूजुअल। चुनाव के नतीजों के बाद और सेम सेक्टर लोकेशन की स्टोरी पर मुझे लगता है साल में अपनी स्टोरी बन गई है और लगातार एक के बाद एक क्या ऑर्डर रहेगा अगर आपका कोई इंटरेस्ट है इसमें तो पिकिंग ऑर्डर।
देखिए हाई क्वालिटी शांति का सौदा जो है लीवर लेके बैठ जाओ 3000 के ऊपर बिकेगा, ये कॉल्स हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं, इसमें हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और ये डॉलर की चार्ट जो स्क्रीन पे है ये कोई हाई क्वालिटी ट्रेड नहीं, देखिए साइडवेज बैंड में पीसीआर प्रीवियस चार्ट को दिखाते रहे, ये साइडवेज बैंड में ट्रेड कर रहा है डॉलर और नीचे से निकल के अभी बाकी एफएमसीजी की रैली में सिर्फ ये बैंड के अपर एंड पे जा रहा है, यहाँ धोखा हो जाएगा डॉलर के अंदर में, धोखा हो जाएगा। इसका कंसोलिडेशन अभी कंप्लीट नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रेकआउट के लिए यहाँ से तैयार है। 580-590 को क्रॉस किए ना वापस कभी भी 480 जा सकता है, इसलिए हम डॉलर में पैसे नहीं डालेंगे। और रही बात मैरिको की, ये भी बिल्कुल बाय एंड होल्ड पकड़ के बैठ जाने लायक स्टॉक है, ऑलरेडी नीचे से काफी चल चुका है, तो भी ये मुझे लगता है 800-850 मीटर पे बढ़ चुका है। बहुत सारी रेंज मैरिको ने अब लॉन्च करी है, चाहे वो कोकोनट ऑयल जो इसका बेसिक ऑयल था उसमें 20 तरह के वेरिएशन आ गए, तो जो भी इसका ब्रांड एट्रिशन हो रहा था, कोई वो हिमताज तेल लगा रहा था तो बोडियम नारियल तेल के अंदर अवेलेबल है, और जितने भी तरह के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी